बिता लेते हैं तो सब कुछ हम करते हैं जैसे एक नौजवान करता है एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मुख्यतः ज्यादा समय ध्यान में जाता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स और फिल्म का हिट होना फ्लॉप होना आपके लिए कितना मायने रखता है और आप इस मूवी को भी उस नजरिए से देखेंगे? जी, जैसे हमने पहली फिल्म को देखा था बिल्कुल वैसा नजरिया है कि उस फिल्म का मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में गया, जैसे यूरोप में हम जाके आए, नेपाल में गए, इंडिया में गए, हर जगह वो मैसेज पहुंचा है और इसका हमें लगता है उससे ज़्यादा पहुंचे, ये भगवान से प्रार्थना है। और बॉक्स ऑफिस की यहाँ तक बात है तो कंपनी वाले तभी मूवी बनाते हैं अगर उनको कोई फ़ायदा होता है। हमें लगता है पहली ने बहुत फ़ायदा दिया है उनको और ये वाली भी बहुत फ़ायदा देगी। बाबा, जिस तरह के स्टंट्स आपने किए हैं अपने फिल्म में ट्रेलर के दौरान, उस तरह से लगता है कि सलमान खान को आप टक्कर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप यूथ उससे खुश होते हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की। दूसरी बात, जो भी हीरो हैं वो अपनी जगह अपनी एक्टिंग में महान है, हर कोई बड़ा है, हर कोई छोटा नहीं है, हम टक्कर किसी को नहीं देते, लेकिन जो यूथ कर सकता है हमें लगता है हम वो कर सकते हैं। ये आत्मबल जरूर हमारे अंदर है कि यह विल पावर आता ध्यान से, योगा से। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में आया कि चलो इस विषय पर पिक्चर बनाते हैं, कहाँ से ये आइडिया आया? जी, ये रियल बेस्ड स्टोरी है। हम 2000 में राजस्थान एरिया में गए थे, यहाँ आदिवासी टोटली नंगे रहते थे, महुए की शराब पीते थे, कच्चा मांस खाते थे, मारामारी उनमें बहुत होती थी, भूत प्रेतों का साया, 3-4 दिन में 2-2 कत्ल हो जाया करते थे। तो हम 1.5 साल वहाँ रहे, उनको चेंज किया, वो तो प्यार से किया भगवान के। कृष को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, क्या कहना है आपको? उससे भी बेहतर लग रहे हैं। जी जी, और हमें यही खुशी है कि आपका जो कमेंट है ये हमारे लिए बहुत खुशी है कि आपको बहुत बेहतर लगा। और यहाँ तक क्रिस की बात है, हमने सुना जरूर है कि उन्होंने जहाज को पकड़ के धरती पे बिठा दिया, ऐसा सुना है, लेकिन और हमने वो फिल्म देखी नहीं है। तो आप अगर कह रहे हैं तो क्योंकि आप क्रिकेट बॉल है, थ्रो बॉल है, तो गेम यानी इतने हमने गेम खेले तो तब कोई आके हम ये कहा करते थे, हम खड़े हो जाते थे और हमारे साथियों को कहते भाग के और हमारे सिर में टक्कर मार, तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे और हम खड़े रह जाते थे। लेकिन अब क्योंकि 17-17 घंटे बैठते रहे तो नेचुरली स्टमक जो है वो थोड़ा लूज हो गया है, क्योंकि 17 घंटे ध्यान में बैठना, और वो भी कम से कम 15-18 साल हो गए हमें ऐसा बैठते हुए। पर अब आप बच्चों ने अगर चाहे तो भगवान ने चाहे पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको यही चीज पसंद है तो इसको भी टाइट करेंगे। सर, अब जबकि आपने कहा कि आपने टक्कर दी लोगों को, तो बॉलीवुड में आप किसको टक्कर देने के लिए तैयारी में हैं? नहीं नहीं, हमने टक्कर नहीं कहा, हम ये कहा करते थे कि जब खेला करते थे मजाक में बच्चों को कि आइए हमारे यार दोस्त होते कि टक्कर मारिए पेट में, तो और जो टक्कर की आप बात कह रहे हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं किसी को टक्कर दें, क्योंकि हमने किसी की कई बार कई हंसते हुए यहाँ कई सज्जनों ने हमें कहा गुरु जी क्यों रोजी रोटी पे लात मारते हो, हमने कहा नहीं हम लात मारने नहीं आए, बल्कि हम एक स्वस्थ तरीके से इंटरटेनमेंट करने आए हैं कि सिर्फ नग्नता से या इन चीज़ों से इंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि स्वस्थ तरीके से भी हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं हमारी संस्कृति से भी। तो सो हमारा टक्कर किसी को देने का कोई इरादा नहीं। बाबा सर, कॉपीराइट्स, मूवी की कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉन डो ऑर्डर मिला था। जी जी, उसके बारे में बताइए। ये एक सब कंपनी ने किया है और हमें लगता है वो प्रोड्यूसर यहाँ होंगे तो आपको जरूर बताएंगे। हाँ, ये गुड़गांव से इनकी कंपनी है, ये हैं इसमें, तो इन लोगों को पता है, हमें बताया जरूर है कि शायद सीडी कोई ऑनलाइन या ऐसा कुछ ऐसा जरूर बताया है, पर क्या हुआ है क्या किया है तो वो इन सबको पता है। सर आपने हेलो, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है जॉन डो ऑर्डर जो है कोर्ट से लिया गया है। जी जी, हमें अब जो लगभग 32 साल हो गए हमें डांस छोड़े, तब डांस इनके साथ बैठ के हम लोग डिजाइन किया करते थे, वो ही कर लिया इन्होंने।
जहाँ नाच की बात कर रहे हैं आपकी, तो आपने कितनों को नचाया है? इस फिल्म में हमें लगता है एक दिन में सबसे ज्यादा जो हमने ना 175,000 लोगों को नचाया है। जो पार्टी धूमधाम में आपने देखा, तो जो ये कोरियोग्राफी की गई, तो अरविंद हंसने लगे, गुरुजी आपका महकमा मैंने संभाल लिया है, जो लड़के ऊपर नाच रहे वो भी संभाल लिया, इनका आप संभालो। उनका फिक्र मत कर, इनका हम ही संभालते थे, हम ही संभाल लेंगे। तो फिर उनको वो डांस करवाना, लाइट कब छोड़नी है, ये सब तो हम करते रहे। पहले भी ऐसा हुआ था, तो इतने लोग उसमें डांस किया है एक रात में, और 3 रात कंटिन्यू वो डांस चला है। बाबा आपकी तो वन मैन आर्मी है यहाँ पर। जी 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 जी, आप अकेले सिंगली हैंडल के लिए वन मैन आर्मी है, और आपके चाहते तो मुझे सब यंगस्टर्स दिख रहे हैं। व्हाट यू एक्चुअली टारगेट एंड हु, क्या है ये? बस आपने पहचान लिया है, यूथ को ही हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक यूथ अगर सुधरता है हमारे अकॉर्डिंग, एक फकीर के गुरु के अकॉर्डिंग, तो वो अपने माँ बाप को भी समझाएगा, फैमिली को भी समझाएगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो एक आदर्श बन जाएगा। तो हमें लगता है यूथ हमारे जो हैं अब वो बड़े हताशा निराशा की तरफ जा रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिलती या किसी काम में सक्सेस नहीं होता, जल्दी वो हताश हो जाते हैं। तो उनके अंदर बिल पावर आए, उनके अंदर एक पावर आए, तो हमने उन्हीं को एम लेके ये फिल्में बना रहे हैं। बाबा जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप बिग बॉस 9 में नजर आने वाले हैं। जी, खबरें हमें भी मिली हैं। बाबा जी, जी जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा, हमें भी लोगों ने कहा गुरुजी बिग बॉस में आइए, तो हमारे जैसे अभी जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के खड़ी हुई थी अरोड़ा जी, इन्होंने बोला, तो हमने इनसे कहा कि कुछ लोग भी हमें मिले, तो हमने इनसे कहा हमारी कुछ समस्या है, अगर वो आप दूर कर दोगे तो हम सोच लेंगे, फाइनल नहीं किया। समस्या क्या है कि हमारे पास सुबह सुबह पूरे वर्ल्ड से नशेड़ी लोग आते हैं, यूथ आता है मेनली, तो हम वहाँ कोई पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं, वो कभी भी नहीं लिया जाता वहाँ, तो उनका ड्रग छुड़ाने के लिए, उनको आत्मबल के लिए वेदों का गुरु मंत्र बताते हैं। दूसरा, पूरी दुनिया से बीमार लोग आते हैं, पुअर पर्सन आते हैं, तो उनकी बीमारी के लिए उनको आत्मबल कैसे बढ़े, ताकि 10% काम करने वाली दवा 100 कर जाए। तो वो डेली हमारे सुबह शाम, ये क्रू मेंबर इसके गवाह हैं, फिल्म चलते भी हम लोग उनसे मिलते रहे, बीच बीच में जा जाके डायरेक्टर साहब से पूछिए, DOP साहब को, सबको पता है इनको। तो वो हमने इनसे बोला कि अगर वो हमें रोजाना के 2-3 घंटे मिल जाया करेंगे तो सोच सकते हैं, वरना अभी हमने कुछ फाइनल नहीं किया है। लेकिन बाबा जी, मेरा सवाल यही था कि आप बिग बॉस 9 में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? जी जी, वही बोला बेटा, कि वही बोला कि ये लोगों को हमने कह दिया कि ये हमें दिक्कत आ रही है कि 2-3 घंटे क्या हमें उनके लिए दोगे, तो अगर अभी ये सोच रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, तो हमने कहा फिर हम भी विचार कर लेंगे। जी, ये बाबा जी, ओहे, जैसा कि अभी हमने आपकी पॉपुलैरिटी देखी, आजकल इस मुल्क में काफ़ी लोग जो है बाबा वर्ड जो है एक ब्रांड बनता जा रहा है, फिल वक्त जो है राधे माँ जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में हमने यही सुना है, जो हमने सुना, क्योंकि ज़्यादा देखा नहीं है कुछ भी ऐसा, कि कोई पैसे का भी चक्कर है, कि पैसा बहुत कमाया गया इसके पीछे। बुरा ना कोई भी माने, हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं कि किसी को कोई पैसा दिया जाता है, वेदों में तो ऐसा लिखा नहीं, किसी पवित्र ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान पैसे लेता है। असल में ये जनता है जो पैसे देती है कि यार शॉर्टकट मिल जाए भगवान का, ना तो भक्ति करनी पड़े, ना राम नाम जपना पड़े, 100 की ठग्गी मारिए, 5 इधर चढ़ा दो, हम भी खुश और भगवान भी खुश। तो ये ऐसा जो पाखंडवाद को बढ़ावा देना है, वो हमें जो लगा वो जनता का काम ज़्यादा बड़ा है, जो बन के बैठता है उसकी भी गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर जनता उकसाती है कि यार तू बैठे बैठे खा, ये ले हमारे, हमें भी खुश और तू भी खुश, जबकि धर्मों में है, वेदों में लिखा है, भगवान देता था, देता है और देता ही रहेगा, वो लेता ही नहीं किसी से कुछ, तो यही सच्चाई है। जी बेटा, बाबा जैसे कि आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, तो आपको फॉलोवर्स के लिए एक मैसेज दे मैसेज, आपके फॉलोवर्स का इतना प्यार है, तो उनके लिए एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बेटा, ये वो नौजवान बच्चे हैं, 5.5 करोड़ में 80 लाख के करीब, मतलब 80%, 80 लाख नहीं, 80% यूथ है हमारे साथ, तो इनको मैसेज हमने बहुत सारे दे रखे हैं बेटा, 112 कार्य इनको दिए हैं कि आप करें, ब्लड डोनेट करें 3 महीने के बाद, तो ये लोग कर रहे हैं, तो इन सबको हम सैल्यूट कर सकते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, सबको। बाबा जी, आपकी जो पिक्चर का बैकग्राउंड है आपके।